شباب يلا और इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान इसको बोलते हैं कि कभी खुदा ना खास्ता कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी हो या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो बिल्डिंग वर्क हो कौन से भी वर्क में हो अगर फायर ड्रिल जब भी देना पड़ता है तो ड्रिल देने का ऐसा मकसद क्या है यानी इवैक्यूएशन जब आप करते हैं इवैक्यूएशन का मकसद क्या है और कब इसकी ज़रूरत पड़ती तो यहाँ पर जितने भी बंदे यहाँ पर काम करने वाले हैं हर किसी का काम डिफरेंट डिफरेंट है कोई इलेक्ट्रिकल का काम है तो जो है ना यहाँ पर कोई एक जिम्मेदार बंदा या दूसरा जिम्मेदार बंदा ये नहीं होना कि भाई ऊपर 10 जने काम कर रहे हैं अगर एक जना देख लिया कि आग लग गई तो 10 जना इवैक्यूएट होना बल्कि विजिल जो है ना आपको कंटिन्यूस बचते रहेंगे तो आपको समझना है कि भाई हाँ भाई यहाँ पर जो है ना कुछ फायर हुआ है जिसकी वजह से अपने को इवैक्यूएट होना है यहाँ पर और इवैक्यूएट जो है ना होने का एक तरीका रहता है कि आप जब भी इवैक्यूएट यानी भाग रहे हैं तो आपका नियरेस्ट एग्जिट इमरजेंसी एग्जिट जहाँ पर है वहाँ पर आपको जाना है और एक बिल्डिंग दूसरी बस यहाँ पर बंदे जितने भी जने काम करने वाले एक दूसरे के साथ जो है ना गैदरिंग मिलकर जो है ना अपने को काम करना है ऐसा नहीं है कि भाई किसी को अगर अपन गैर गलत बातें बोल दे रहे हैं उनसे फाइटिंग कर ले रहे हैं फला फिला ये चीज़ें जो है ना उसके अंदर करना नहीं है अपने को जो है ना इवैक्यूएशन प्लान के अंदर हर किसी को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है حاجز زايد اهو زي ده السؤال ما ينفعش تقف على سقال الا لما يكون في حاجز زي ده انت واقف وبترفع ايدك وبتتحرك وبتعمل ممكن تدوخ فكروا في اولادكم وفكروا في عيلتكم وفكر في انك انت ممكن تعجز ده اهم من اي حاجه ما تفكرش ان احنا بنعذبكم والله والله ما هو عذاب ده احنا بنحاول ان احنا بقدر الامكان نعممكم على قد ما تطلعش على لوح بنتي يلا بين ما تطلعش على لوح بنتي واحد لازم اقل حاجه اربع تلواح وما تطلعش على سقاله بدون حاجز تعالى اشتكي لي وشوف انا هعمل فيهم ايه او اشتكي لاي مهندس فينا احنا كلنا معاكم عصر خلص ودي كاميرا ان كل الجنب ده كله لابس الفيست كل الجنب ده مفيش الا اثنين لابسين ثلاثه يعني ليه ايه المشكله يعني فبالله عليكم الحاجات دي اللي ما معهوش يحاول يستخدم الحاجات بعد الظهر देख लेना चाहिए एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में लेफ्ट साइड का गेट जो है ना आपको हमेशा जो है ना न्यूट्रल में रहता न्यूट्रल मीन्स ये काम करने वाला नहीं रहता अगर राइट साइड में सेंटर में रहा तो आप समझ जाना कि गेट यानी एक्सिबिशन आपका चालू है अब इसके हिसाब जो है ना एक्सट्रीम कर सकते हैं आप अगर लेफ्ट साइड में रहेंगे तो इसका गेट जो है ना अंदर जो इसकी प्रेशर थी वो प्रेशर की स्पीड जो है ना स्लो हो जाती है कभी भी करने से पहले इसका लॉक सिस्टम रहता है वो लॉक सिस्टम आपको निकालना है इसका जब तक आप एक पिन नहीं निकालेंगे जब तक इसको जो है ना एक्सट्रीम नहीं कर सकते ठीक है इसका पिन निकालने के बाद में आपको एक्सट्रीम करने का है एक्सट्रीम करने का तरीका भी मैं बता दे रहा हूँ इसका लॉच है उसके बाद में आपको विजिल दबा भी है अगर जो है ये आपका एक्सट्रीम हो रहा है जब तक आप इसकी आग घुसी नहीं जब तक आप इसके अंदर मार नहीं गए ठीक है और आग के करीब में नहीं जाने का है और जो है ना आपको कोई भी चीज़ से टच नहीं करनी है जो है ना हवा का जो है ना गेज देख लो हवा किस साइड से आ रही है उसका ऑपोजिट में आपको ठहरना है ऐसा नहीं है हवा भी एक जगह से आ रही है आप भी एक जगह से मत ठहरो ठीक है हर किसी को मालूम है एक्सटेंड करना है या नहीं मालूम नहीं मालूम है तो आप कोई ना एक बंदा आ सकता है ट्रायल कर सकता है अब आ रहे हैं इतना टाइम दिया हूँ